अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हैं। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी? चैनल पर आ चुके हैं जी। आज फिर मौसम जो है ना चेंज हो चुका है। इस्लामाबाद का मौसम जो है ना रोज़ रोज़ चेंज होता रहता है। ये जी मेरे पीछे लगा हुआ था, इसी से जान छुड़ा के मैं आगे आगे भाग रहा था, क्योंकि ये देखें जी आपको आप सबसे पहले दिखाते हैं जी। ये बूली जिसको थोड़ी सी स्वेलिंग है, बाकी तो सारा सेट है ये बिल्कुल। इसको आज इंजेक्शन एक और लगा देंगे ताकि इसकी जो थोड़ी बहुत स्वेलिंग हुई हुई है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मुर्गे से डर लगता है जी, पीछे देख देख के बार बार, कहीं पीछे से आके अटैक ही ना कर दे। बाकी ये इसको होश होश पूरी है जी, कोई दांत शांत से उस पर नहीं हुआ मसला, सेट है बिल्कुल। ये जी इस मुर्गे की राशि लगी है जी, इंजॉय कर रहे हैं। उधर चलो दफा हो जाओ, मारूंगा मैं, बस बहुत फ्री हो गए तुम, चलो। ये देखिए ये मेरे अटैक करने के लिए आ रहा है। जी दोस्तों जैरी को बाहर निकाल रहे हैं, जैरी को जो जी फुल सर्विस कर दिया, इधर ही बांधी, इधर इधर फुल यस कर दी है। आप लोगों को दिखाता हूँ, दो डॉग को और हमने नहला दिया क्योंकि हमारे कैनल पे तो पानी का मसला है, हमें जो है वो नहलाना चाहिए। बाहर उस दोस्त के कैनल डेरे पे जाना पड़ रहा है, तो हम रोज़ के दो दो करके डॉग्स को नहला रहे हैं। ये देखें उसको भी बाहर निकाल, लीजा को भी बाहर निकाल, वो भी दिखा। ये देखें मैडम साहब फुल जेंगो जेंगो, ये देखें इसको, इसने कैसे अजाब डाला हुआ, देखी चकी चकी ना काट ले। ये देखें जी उसने लीजा को देख लिया, अब वो अपने पोज बनाकर खड़ी हुई है। हाँ जी क्या चक्कर है? हाँ 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 स्प्रे कर इसको, इसको जी एक टिक नज़र आ गया हमें, हमने इसको स्प्रे शुरू कर दिया। हालांकि उनको हमने स्प्रे किया भी उस दिन, जैरी को देखें आप वो क्या कर रही है। चल बहुत है अंदर कर दे, बुला ही नहीं, मैं करता हूँ स्प्रे। अच्छा ये देखें जैरी मैडम, बस चुप कर जाओ सब। ये देखें ये जी दोस्तों दूसरी फीमेल जिसको नहलाया है, एक तरफ जैरी को दोनों दो दिन, एक ही दिन में दोनों फीमेल्स को हमने वॉश वॉश कर दिए बेहतरीन करके। अब देखते हैं दोस्तों क्या बनता है और क्या नहीं, क्या हो गया, क्यों छींकी जा रही हो? ये जी दोस्तों बच्चे जो है ना दिन ब दिन ग्रोथ करते जा रहे हैं, ए वन वाली अच्छा साइज बन गया। इसको देखें आप, सबसे मेन देखने वाली चीज ये है, अंधा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कल ज़्यादा आती जा रही है, सेहत में भी इनसे ज़्यादा है। ये है जी हमारी फेवरेट फीमेल और दूसरी डोरी गोरी, तीनों बच्चों ने अच्छी अच्छी बना लिया साइज जी। दोस्तों ऊपर से व्यू देखें जी आप,
ये लीजा, ये तीनों पपीस, वो जी हमारी जेरी। सही शुगल, मौसम भी चेक करें आज दोबारा। ये जी दोस्तों, ऊपर आने का मकसद ये था कि इसको चोट लगी हुई है, वो ब्लॉक जो है उस पिंजरे के ऊपर जो था वो गिरा नीचे। और पहले खुद आ जाना। वाह जी वाह, ये वाला नाखून है, देख इसको, वो कोई दर्द शर्द तो नहीं हो रही? दर्द तो नहीं हो रही? इसको जी वहां से हटा दी, अभी इसको अपने तरफ ले जाते हैं। अब वैसे भी उस टाइम गर्मी का सीजन बन रहा है तो वहां धूप बहुत पड़ेगी, ये अब शिफ्ट कर देंगे नीचे पक्के पक्के। चलो ये जी इसको नीचे लेके जाते हैं। ए पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, पीछे हो जा, जेरी को देख, जेरी इसको कैसे देख रही है। इसको इधर कर दे फिलफोर, इस वाले पिंजरे में, बड़े वाले पिंजरे में। हाँ इसके अंदर करके अच्छे तरीके से पिंजरा बंद कर दे इसका। ये जी इसकी टांग लंगड़ा रही है ये वाली, तो भी कोई मेडिसिन भी देते हैं। बेला बेला बेला, बेला मैडम को दर्द हो रही है जी, ये लगा है सीना था के ऊपर ना। बस बेला के नाखून के ऊपर लगा है, बस सही है। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे इसको, वैसे मेडिसिन दे दे कोई बुखार वाली, दर्द सर्द उससे इसकी कम हो जाएगी। ये जी दोस्तों, इसको नहलाने के बाद ना हम वो टिक्स स्प्रे कर रहे हैं पूरी फीमेल को, ताकि टिक्स और मक्खियों शक्खियों से भी जान छुटी रहती है। पूरी फीमेल को हम करते हैं स्प्रे, दोनों को करेंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम आ रहा है तो टिक्स तो होते ही है, जहाँ पे आपके पास क्लिनिक डॉग्स वगैरह हो वहाँ पे ही होता है। ये देखें तो ये क्या कर रहा है, और इसने ये तोड़ दिए, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने अब ये दोबारा हरकतें की। ये देखें जी, ये इसने तोड़ दिया, इसको किसी किस्म का सुकून नहीं है जिंदगी में, हमारे पिंजरे तबाह करने लगा हुआ। नहीं करो, मारूंगा मैं। वो जी तार को देख रही है, ऊपर से तार मरे गुजर रही है, चाहिए बस बस बस, शाबाश शाबाश, गुड गुड गुड। इधर आओ जेरी, ऊपर से ये बिजली की तार बाहर से लोग कर रहे हैं, जेरी को समझ नहीं आ रही है। चल कर दे स्प्रे, इसको भी कर दे जी। जेरी मैडम को भी स्प्रे शुरू कर दिया, स्प्रे जो है जी बड़ा ज़रूरी है, आदमी गर्मियों में अपने जानवर बचाने हैं तो सबसे मेन चीज़ टिक्स का इलाज रखेंगे तो कुत्ते आपके बिल्कुल सेट रहेंगे, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उसके लिए हम पूरा गर्मियाँ वक्फे वक्फे से और नहलाने के ख़ास तौर बाद में हम ये टिक्स वाला स्प्रे लाजमी करते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी आ रही है आपको इक्का दुक्का डॉग पे टिक्स नज़र आना शुरू हो जाता है, तो उसका ये प्रॉपर इलाज है कि आप अपने डॉग को स्प्रे करते हैं। मैं आपको वीडियो में वो भी बता दूंगा कि मैं कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ,
वैसे सब लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं भी बता दूंगा कि मैं कौन सी कर रहा हूँ इस्तेमाल। ये जी तीनों बच्चे आपस में मस्तियाँ ले रहे हैं, कुत्ता जो है ना कुत्तियों को चक डाल रहा है। ये देखो फुल मस्तियाँ चल रही हैं, एक दूसरे की टांगे बाजू लड़ते भी हैं जी। किसी दिन वो भी कैप्चर करेंगे वीडियो में, बड़ा ख़तरनाक लड़ते हैं और अभी भी मुझे लगता है किसी भी टाइम पे लड़ने वाले हैं वो वाली लड़ाई। ये देखें दोनों को कैसे चक्के डाल रही हैं दूसरे को, ये उसने भी चक डाल लिया जी। दोस्तों जहांगीर जो है ना वो शेरू को निकालने की कोशिश कर रहा है और आप लोगों को पता ही है शेरू को और ये बच्चा ना पकड़ ले, कोई बच्चे हैं बाहर उनको ना चाक डाल लेना। एक मिनट रुक, सबर कर। ये जी दोस्तों पहले हम इसको निकालने से पहले रिस्क नहीं ले रहे, पहले ये बच्चे जो है ना ये अंदर करने लगे, पहले एक ले जा फिर दूसरी लेके जाकर। ओए ओए रुक जा एक मिनट, रुक जा इधर ले आ वापस, याद आ गया अभी अंदर छोड़। वेट मशीन तो यहाँ है नहीं है, कितना वजन होगा जहांगीर तेरे हिसाब से? 8 cc दे दे। इसको दे ना। ये जी इनको जवान करने लगे। मुंह में रख, ये पी लेगी खुद ही। छोड़ छोड़ छोड़, मैं बताता हूँ। तो इसको तो सर पहले देनी थी। अच्छा, 2 cc बचानी है सर। पकड़ इसको आगे से, ये हम पकड़। ये जी मिशन हम कर रहे हैं पूरा। अब छोड़ दे सर, अब दे दवाई दोबारा। चल दूसरी पकड़ो। ये जी इनको भी वैक्सीन करनी है, उससे पहले डिबम कर रहे हैं। छोड़ दे ले आए। ये अब है ही नहीं इतना कि बस ये पकड़ उसको। ये जी इसको भी दवाई पिला रहे हैं। चल ये इसको दोबारा पकड़। ये जी तीनों बच्चों को आज जिम कर दिए, कल जो है ना इनको वैक्सीन करेंगे अब। ये जी एक एक करके दोनों पपीस को इनके केज में कर रहे हैं। ताकि हम शेरू को निकाल सके, क्योंकि शेर वाला रिस्क बड़ा जब मुश्किल है जी लेना। शेरू साहब को हमने खुला छोड़ दिया क्योंकि आपको पता है ये उसके अलावा इसको बोलने का कोई तरीका नहीं है। सारे कुत्तों ने शोर मचा दिया, सब ने अलग को भी गुस्सा आ गया, सब को शोर गुस्सा आ गया। पकड़ बांध इसको। अच्छा जी दोस्तों, ये जी मस्तू को हमने अच्छे तरीके से मेडिसिन लगा दी है। मस्तू थोड़ी खारिश मारिश कर रहा था तो पहले से ज़्यादा सेट हो चुका हुआ। रीटा, अच्छा रीटा क्या चक्कर है इसको? ये कि तुम सूची हुई है इधर से और उठते तो बैठ जाते बिल्कुल। उठा के बाहर लाना इसको।
अच्छा रस्सी में रस्सी है मेरा आटा है सर कूद अच्छा अच्छा ये अच्छा फिक्स अच्छा इधर अच्छा अच्छा आजा आजा रीटा आजो इधर आओ उठो 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 आजा इधर इधर आ ये जी बीमार हुई है जी इसको देखने आए हैं देखते हैं इसको क्या मसला है खड़ी कर इसको क्या मसला है इसको क्यों टांग नहीं उठा रही बात रीटा दिखा कोई जख्म शख्म तो नहीं हुआ भैया कुछ भी नहीं हुआ ऐसा स्प्रे कर दे इस दोनों जगह पे स्प्रे कर दे बस तो टेल दे रही है क्या चक्कर है ये कितनी इधर पिंजरे पिंजरे में तो नहीं फंसी नहीं ये तो लगता है किसी ने यानी ये दुम पकड़ के खींची है पीछे ये ऊपर 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 ये ही जगह का बस 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 इधर देखिए जख्म दुम पे हुआ बस चक मारे हुए इसने अपने आप को बस हाँ लेकिन इसका टांग से कोई ताल्लुक नहीं है ना टांग में इसको दर्द क्यों हो रही है जहर बात है ही नहीं नजर नहीं आ रहा ना वो वाला पाव ये नहीं है नहीं यही वाला है वो वाला रीटा शप ये वाला यार ये तो पहले से चलने में ये है इस तरह हाँ वो वाला है भी उससे अब से बैठ जाते क्या हो रहा है इसको कोई दर्द नहीं मना रही कोई वैसे ही हो रही अंदर उन्हीं में प्रॉब्लम हो रहा है कोई है ना हाँ टांगों में इसके मसला हो रहा है हीट शीट पे तो नहीं है पिछले दिन में छोड़ा नहीं है तेल दे रही है हीट पे तो है ही लेकिन इसको मारा तो भी है ना उसने पता नहीं हीट पे आया है नहीं है ये जी दोस्तों ये वो शैतान आ गया जी डेरे के ऊपर जिसके पास जोकर था हमारा इसने जोकर को क्रॉस करवाया था एक फीमेल से उससे इसके पास ब्रीड हुई हुई है वो बच्चे ये दिखाने के लिए लाया है आज आपको जोकर के पपीज दिखाते हैं जी ये जी ये उस्ताद जी बच्चे लेकर आ रहे थे दिखाने के लिए और ये खुद आ गए हैं बच्चे लेके नहीं आए कल लेकर आएंगे कल दिखाएंगे जी आपको जोकर के बच्चे इसको डीजल साहब को निकाला बाहर और हमें लग रहा था ये दोनों कुत्ते जो है ना उस दिन थोड़ा बहुत दान शान लगने की वजह से थोड़े से वो डाउन माउन हो जाएंगे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा ना इसको ना उसको ये जी दोनों शैतानों को हमने वापस सामने किया है लेकिन और दोनों ही रेडी बैठे हुए एक दूसरे से लड़ने के लिए ये जी इसने मुंह फेरा है वो तो बिल्कुल और कहीं देख ही नहीं रहा उसका फोकस यही है कोई नहीं पुत्र कुछ दिनों में जी इसको सेट करेंगे पूरा और इसको फिर दोबारा आपस में तपाएंगे आज की वीडियो यहीं तक थी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अल्लाह हाफिज़